नमस्कार मित्रों, आपके नौकरों की ईमानदारी, उनकी विश्वसनीयता और उनके काम करने का अंदाज, यह सब कुछ निर्भर करता है कि आपने उनके रहने का अपने घर में स्थान कहां पर बनाया है। जी हां मित्रों, आजकल हर व्यक्ति चाहता है उनके जो नौकर हैं उनके यहां पर 24 घंटे ही रहे, इसलिए आमतौर पर उन्हें या तो घर के अंदर कहीं पर अथवा तो फिर टेरेस पर रहने का स्थान दिया जाता है। आज हम बात करेंगे महावास्तु के विभिन्न जोन्स के अंदर बने हुए सर्वेंट रूम का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहता है, नौकर के साथ कैसा रिलेशन रहता है, उन्हीं सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठें और लिखें कि आपके घर में कहां पर सर्वेंट रूम सर्वाधिक लाभदायक है। यदि बात करें नॉर्थ ईस्ट की, ईशान कोण के अंदर यदि आपने सर्वेंट रूम बना रखा है तो आम तौर पर वहां पर रहने वाले नौकर जो है वो आपके निर्देशों को ही भूल जाते हैं। यदि बात करें आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, यह है फन का जोन, आनंद का जोन, मस्ती का जोन है, ताजगी का जोन है। यहां पर यदि सर्वेंट रूम है तो आपके जो नौकर हैं वो ज्यादा मस्ती के अंदर ही रहेंगे, मस्ती के मूड में ही हमेशा रहेंगे। टीवी देखना या फिर सिनेमा देखना, ये बातें सारी करना, उनका ज्यादा ध्यान वहीं पर रहेगा और आमतौर पे वे आपके घर के माहौल को भी बहुत खुशनुमा बनाए रखेंगे, लेकिन काम के बजाय मस्ती पर ध्यान ज्यादा देंगे। यदि आपके घर के अंदर सर्वेंट रूम बना हुआ है ईस्ट की डायरेक्शन में, सोशल कनेक्शन का यह क्षेत्र है और यहाँ पर यदि सर्वेंट रूम है तो आप ये देखेंगे कि नौकर के जो परिवार हैं, परिवार वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, जो बाहर से मिलने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इससे नौकर का समय भी बर्बाद होता है और उनके काम करने की शैली भी प्रभावित होती है। यदि आपने अपने घर के अंदर सर्वेंट रूम बना दिया है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पर यदि सर्वेंट रूम है तो वो लोग ज़्यादा है ना, थोड़े झूठ बोलने के भी आदि हो जाते हैं, काम को लेकर के ऐसे बेचैनी सी उनके अंदर रहती है, अजीब से मंथन के अंदर वो रहेंगे, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, तो उनके काम करने की कैपेबिलिटी भी उससे प्रभावित होती है। साउथ ईस्ट के अंदर यदि आपने बना रखा है सर्वेंट रूम, सर्वेंट रूम के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति अपने काम के अंदर व्यस्त रहता है और पूरी मेहनत, लगाव, परिश्रम के साथ वह काम करता है, इसलिए साउथ ईस्ट में आपको सर्वेंट रूम अवश्य ही बनाना चाहिए। यदि बात करें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की, यहाँ पर सर्वेंट रूम बना दिया तो वो नौकर जो वहाँ पर रहने वाले हैं वो परिवार के लिए एक अतिरिक्त मजबूती का कारण बन जाते हैं, यानी परिवार को भी एक मजबूती करवाने वाले वो बन जाते हैं और उनका संबंध भी परिवार के साथ अच्छा बना रहता है। अगला महावास्तु जोन है साउथ। साउथ की डायरेक्शन के अंदर यदि आपने सर्वेंट रूम बना दिया तो यहाँ पर रहने वाले जो सर्वेंट है वो आराम पसंद हो जाएंगे। दूसरा, वो हमेशा ये चाहेंगे कि उनके काम के बदले उन्हें प्रशंसा मिले, वो भी एक ब्रांड है, ऐसी उनकी फील आएगी, इसलिए यहाँ पर भी आपने सर्वेंट रूम नहीं बनाना है। यदि आपके घर के अंदर सर्वेंट रूम बना हुआ है SSW की डायरेक्शन के अंदर, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यह जोन ऑफ डिस्पोजल है, तो यहाँ पर रहने वाले सर्वेंट जो हैं उनके स्वास्थ्य के अंदर दिक्कत आएगी और वो खुद भी परिवार के साथ जुड़ने में अपने आप को असमर्थ सा महसूस करेंगे। उनको ये लगेगा कि उनके संबंध परिवार वालों के लिए ठीक नहीं है, वो तो बस ऐसे ही है, फालतू के ही हैं, ऐसी उनकी फील आएगी, इसलिए यहाँ पर भी आपने सर्वेंट रूम नहीं बनाना है। यदि आपने अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर सर्वेंट रूम बनाया है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है स्किल की, तो यहाँ पर रहने वाला सर्वेंट जो है ना, उसकी स्किल के अंदर आप देखोगे गजब का सुधार है। वो जैसे भोजन बनाना है वह अलग से अलग स्वादिष्ट पकवान बनाने का माहिर हो जाएगा, कुछ भी काम वो स्किलफुल तरीके से वो करेगा, परिवार के साथ भी वो लंबे समय तक जुड़ा रह सकता है, तो सर्वेंट रूम के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यदि आपने सर्वेंट रूम बनाया है WSW जोन के अंदर, मित्रों यह अभ्यास का जोन है, विद्याभ्यास का जोन है, तो इस स्थान पर रहने वाले जो सर्वेंट है वो अपने अभ्यास को बढ़ाते रहते हैं, अपने कौशल को वो विकसित करने में लगे रहते हैं, तो नई नई रेसिपी सीखेंगे, नया नया काम करेंगे, तो यह भी सर्वेंट रूम के लिए एक ठीक स्थान माना जाएगा। लेकिन यदि बात करें पश्चिम की डायरेक्शन की, तो पश्चिम दिशा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बावर्ची के रहने का स्थान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट महावास्तु जोन है WNW, डिप्रेशन का यह क्षेत्र है। यहाँ पर यदि सर्वेंट रूम है तो आप देखेंगे सर्वेंट हमेशा रोता ही रहता है। यहाँ पर रहने वाले नौकर जो है वो अपने नियोजक यानी नौकरी देने वाले को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने काम को लेकर के हमेशा रोते ही रहते हैं और उनकी स्थिति ये रहती है कि ना तो वो काम करते हैं बड़ा खुश रहकर और ना ही वो लोग नौकरी को छोड़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट के अंदर यदि आपने सर्वेंट रूम बना दिया तो यहाँ पर रहने वाले सर्वेंट के मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और
उनकी विशेष बात यह है कि वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। NNW के क्षेत्र के अंदर आपको सर्वेंट रूम नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने अपने घर पे नौकरों का स्थान बना दिया है उत्तर दिशा के अंदर, उत्तर दिशा में रहने वाला व्यक्ति हमेशा अपने करियर को लेकर बड़ा जागरूक रहता है। उसको धन कमाने के नए नए अवसर चाहिए, बेहतरीन नौकरी की वो तलाश में रहता है और वो चाहता है कि उसे नया रास्ता वो बताया जाए जिससे पैसा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। तो वो भी अच्छा स्थान नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही वो आपकी नौकरी छोड़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर रहने वाले लोगों को चोरी करने की भी आदत हो सकती है, यानी ज्यादा पैसे की उनको ललक रहती है और वो पैसा बढ़ाने के लिए भी बार बार आपको बोलते रहेंगे। यदि आपने उत्तर पूर्व के अंदर NNE की डायरेक्शन के अंदर सर्वेंट रूम बनाया है तो यहाँ पर रहने वाले नौकर जो है ना, हमेशा आपके निर्देशों का पालन करने के बजाय, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बजाय अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़े ही कॉन्शियस हो जाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य पर ही उनका ज्यादा ध्यान रहता है। इसलिए आपसे मैं यह चाहूंगा कि अपने घर के अंदर सर्वेंट रूम की डायरेक्शन को बिल्कुल सही तरीके से सुनिश्चित करें, ताकि नौकर का आपके साथ संबंध भी अच्छा रहे, लंबे समय तक वो आपके साथ काम करे और अपने काम को भी बेहतरीन तरीके से वह कर पाए। आपके घर में अच्छी सर्विस देने वाले अच्छे नौकर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सियाराम।